सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीज? तो सबसे अद्भुत और सबसे खास टॉपिक पे पर उन्हें बोलने के लिए बोला है। टाइटल आपने देख लिया होगा, और वाकई में आजकल जो हादसे हो रहे रेप बलात्कार के, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आजकल लड़कियां सेफ नहीं है, क्या कारण है, ये बहुत बड़ी बात है। और टाइटल भी आपने देखा होगा कि रेप बलात्कार के पीछे क्या नंगापन, क्या चीज है ये, क्या अश्लीलता, क्या चीज है ये। आज ये बहुत खास टॉपिक है, इसे हमें देखकर बहुत कुछ सीखने को और बचने को मिलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तो अद्भुत टॉपिक देता है पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ताकि लोगों के जीवन में एक छुटकारा है, और जो ये शैतान इस्तेमाल कर रहा है उन लोगों को पिता दूसरे लोगों के बर्बाद के लिए, आज वो ऐसी सारी योजनाएं कैंसिल हो जाए पिता। पिता सब कुछ तरह मैं सोचता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। हाँ मेरे अजीज, शैतान इस्तेमाल कर रहा है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को इस्तेमाल कर रहा है दूसरे लोगों के बर्बादी के लिए। बहुत खास टॉपिक है ये। हम देखते हैं कि ये घटनाएं बहुत ज्यादा, अधिकतर ज्यादा हो रही है, चाहे वो लड़की हो, चाहे छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, लेकिन ये घटनाएं लड़कियों के साथ, देश की बेटियों के साथ दिन भर बहुत ज्यादा से इसकी तादाद बढ़ रही है। आज प्रभु ने इसका मेन कारण बताया है, और शैतान उन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। शैतान किन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, क्या बात है, आइए वचन में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना संदेश, और आज ये राज जो आपने बताया है ये अद्भुत है पिता। जब लोग सुने तो वाक्य में पिता आज उनका छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे जी, तो सबसे बड़ी बात है, रेप बलात्कार का सबसे बड़ा जो कारण है वह है अश्लीलता, नंगापन। और वचन क्या कहता है, ये बात हकीकत है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉलीवुड दिन पर दिन अश्लील वीडियो, शॉर्ट वीडियो को अपने उन एक्टरों के जरिए ला रहा है, ये शैतान इस्तेमाल कर रहा है। जब कोई भी इंसान इन अश्लीलता को देखता है तो उसकी माइंड में एक सेक्स करने का, एक अश्लीलता का, एक उस पर जुनून सवार होता है, और वो इसी जुनून में बहुत से ऐसे काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। उसको जो जीवन भी खराब होता है, सामने वाला का भी खराब होता है। आज परमेश्वर यही बताएगा, और देखो क्या लिखा है वचन में, मती 24 का 12 लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, ये अधर्म बढ़ रहा है, और शैतान इस्तेमाल कर रहा है आजकल उन लड़कियों को जो इंस्टाग्राम, जो फेसबुक और जो यूट्यूब पर क्या करती है, जो अपने अंग प्रदर्शन करते हैं। आपने कहीं पर देखा होगा कि ऐसे ऐसे वीडियो लोग डाल देते हैं, ऐसे ऐसे उन लड़कियों की वीडियो डालते थे जो सिर्फ अंग प्रदर्शन करते हैं, अपने आप को हिट करने के लिए, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहते कि आपका ये काम कितने लोगों को बर्बाद कर रहा है। छोटे कपड़े पहन के, छोटे नहीं बल्कि कपड़े ना पहन कर आना, यानी कि इस अश्लीलता इतनी बेकार दिखाते हैं यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में, कि इंसान का दिमाग जब शैतान में आता है तो मेरे तो उस वीडियो को देखकर शैतान फायदा उठाता है। सावधान है, तभी तो प्रभु मना करता है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो परमेश्वर में होके करें, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। शैतान इस्तेमाल कर रहा है मेरे तो उन लड़कियों को जो फेमस के लिए अंग प्रदर्शन करते हैं, और उन लोगों को जो ऐसी वीडियो डालते हैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लेकिन उनको नहीं पता कि ये अश्लीलता जो फैल रही है ये कितने लोगों को बर्बाद कर रही है। वीडियो उनकी देखते हैं, मन में जो उनके उत्तेजना पैदा होती है, और वो शिकार करते हैं, वो भी शिकार होते हैं, और वो शिकार करते हैं उन लड़कियों को जो इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आज ये सबसे ज्यादा बड़ा कारण बन चुका है। आपने कहीं ऐसी वीडियो देखी होगी, वायरल वीडियो देखी होगी, जिसमें लड़कियों ने हद पार कर रखी है, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, और उनका करना, उनकी करनी बहुतों के मासूम के आगे आ रही है। मेरे अजीजो, ये चीज शैतान बढ़ा रहा है, अधर्म बढ़ा रहा है, और उन लोगों को लेके आता है जो पैसे के लिए या कुछ फेमस होने के लिए सब कुछ दिखाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका ये काम कितने लोगों को बर्बाद कर रहा है।
आज उनकी वीडियो वायरल तो हो जाती है, और यही कारण है कि शैतान ऐसी वीडियो जल्दी वायरल करता है। क्यों गवाहियों की वीडियो वायरल नहीं होती, क्यों प्रचार की वीडियो वायरल नहीं होती, क्यों अच्छी वीडियो वायरल नहीं होती? बहुत लोग अच्छी टॉपिक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये वीडियो वायरल होगी तो लोग सुधर जाएंगे। ये वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज यही कारण है मेरे जीजू कि यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम को शैतान ने इस्तेमाल अपने लिए कर रखा है। इसमें परमेश्वर काम है, लेकिन जो परमेश्वर काम है उसे शैतान दबा देता है, उसे हिट नहीं करता। और ऐसे वीडियो, ऐसी फ्रैंक जो आजकल चलता है, फ्रैंक जानते हो ना, एक मजाक करना, इतना अश्लीलता से मजाक चल रहा है, इतना अश्लीलता से लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, खासकर उन लड़कियों को। मैं नहीं समझ आता वो लड़की कहाँ से आती है, वो कौन होता है, वो कौन लड़कियाँ हैं जो अपने शरीर को टोटल दिखाना और अपने फॉलोवर बढ़ाना, लाइक बढ़ाना और सब्सक्राइब बढ़ाना। उनकी वीडियो वायरल हो जाती है घंटे में, लेकिन क्या होता है, उनकी वीडियो देख देख के लड़के उत्तेजना मान जाते हैं। वो तो बॉडी कार्ड की नज़र में, बंगले की नज़र में एक वीडियो बना के डाल दिया, एक वीडियो बनाई और डाल दिया। उनको कुछ नहीं होता क्योंकि वो उन पूरी सपोर्ट है उनके पास, लेकिन उनका एक वीडियो जितने वायरल होगा, कितने लोग ऐसे जो उनको उत्तेजना में देखते हैं लेकिन शिकार किसी और का करते हैं। ऐसी वीडियो से, ऐसी लड़कियों से, ऐसे उन लोगों से बच के रहना। मैं आपसे निवेदन करता हूं जितने मसीह भाई बहन है कि आप कृपया करके इन वीडियो से बच के रहे। परमेश्वर आपको आशीर्वाद ही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आपने बहुत बड़ी बात बताई। और आज ही जो रेप बलात्कार हो रहे पिता, इनका मेन कारण शैतान ने यही इस्तेमाल करा है पिता, ताकि वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कोई भी लड़की हो, लड़का हो, कोई भी ऐसा चीज हो जो अपने उन वीडियो को डालते जो अश्लीलता दिखाती है, और उनके कारण ये हादसे होते हैं पिता। आज उन लोगों को भी बुद्धि ज्ञान दे और उन लोगों की भी रक्षा कर पिता, ताकि हादसे ना हो पिता, ये हादसे सारे टल जाए, बंद हो जाए, और देश की बेटियों की रक्षा करो आप पिता। लेकिन उनको भी बुद्धि ज्ञान दो जो देश की बेटियां होने के कारण भी अपने शरीर को दिखाना सिर्फ पैसे के लिए, फेमस के लिए, पिता ऐसे लोगों को बुद्धि ज्ञान दो पिता। वो भी देश की बेटियां है, वो भी अच्छे घराने से, लेकिन वो शैतान में आके भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि खराब हो चुकी है पिता, और इसलिए आपका क्रोध भड़कता है बॉलीवुड पर, क्योंकि उन्होंने सारे हदें पार कर रखी है। लेकिन आप पिता रक्षा करना, इस वचन प्रार्थना के द्वारा सबके जीवन में कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वचन आपको कैसा लगा, ये संदेश कैसा लगा, वीडियो कैसे लगी, आप जरूर बताना, और इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों की जीवन बचे। और अगर कोई भी लड़की ऐसा काम कर रही है इंटरनेट पर आके, तो वो नहीं करे, और क्योंकि वो भी देश की बेटी है। तो हमें एक अच्छा मैसेज चाहिए जो परमेश्वर ये दिया है, ताकि लोगों तक हर कोई, चाहे वो मसीह चाहे गैर मसीह, जब ये मैसेज सुनेंगे तो या तो जो भाई होगा वो बच जाएगा, जो बहन होगी वो भी बच जाएगी। हालेलुया, क्योंकि बहुत लोग अश्लीलता दिखाते हैं, जब इस वीडियो को देखेंगे तो वो ऐसे काम नहीं करेंगे। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना आपका काम है।